हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिकविजन का एक स्पेशल PIR कैमरा। फ्रेंड्स, PIR कैमरा के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ये वाला PIR कैमरा स्पेशल क्यों है, क्योंकि गाइज इसका मॉडल नंबर है DS2CE11D8T-PIRLO। LO जो मॉडल नंबर है इसमें लास्ट में रहता है। इसमें बेसिकली आप एक एक्स्ट्रा हुटर जो है वो आप लगा सकते हो, 800-900 का हुटर आता है, उसको आप बेसिकली डायरेक्टली कैमरा में लगा सकते हो। एंड इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने नॉर्मल जो DVR है उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें अलार्म इनका फीचर्स नहीं है उसमें भी कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक इको वाला है उसमें मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन इसके अलावा बाद बाकी जो भी DVR है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। और हुटर अगर आपको चाहिए कि कहीं पर आपने कैमरा लगाया है एंड कोई अगर मोशन हो तो हुटर बजे जोर से, एक सायरन बजे, उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में इन डेप्थ देखेंगे, इसको सबसे बेस्ट DVR कौन सा रहेगा इसके लिए, इसका पूरा सेटअप कैसा रहेगा, इसका वीडियो क्वालिटी कैसा रहेगा, इसका फंक्शनैलिटी कैसा रहेगा, इसको आप ऑन ऑफ कैसे करते हो, इसका जो स्ट्रोब लाइट है जो ये लाइट मारता है उसको आप कैसे ऑन ऑफ करते हो, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फोटो वीडियो शुरू करने के बाद तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने इसका मॉडल नंबर बता दिया है, थोड़ा डिटेल्स और दे देता हूँ। ये 2 megapixel का मॉडल है गाइस। एंड जैसे मैंने PIR कैमरा में कहा था, इसका जो लक्स होता है बहुत कम होता है, मतलब 0.005 इसका लक्स है। इसका मतलब बहुत लो लाइट में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एंड इसमें AGC ऑन भी है, IP67 है गाइस। IP67 रेटिंग होना अपने में बहुत बड़ा फीचर है। और WDR भी इसमें जो है दिया हुआ है। मॉडल में मैंने आपको इसका बता दिया है। एंड इसका साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो है 5 megapixel H0T का जो मॉडल है ये भी रेडीली अवेलेबल है, डोम बुलेट दोनों में। तो इस वीडियो में हम लोग 2MP का इन डेप्थ देखेंगे एंड 5MP का वीडियो जल्दी लॉन्च होगा। आप चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो बनाना है या इसका प्राइस अगर आपको देखना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर लिंक दिया हुआ है एंड स्क्रीन के आगे नंबर भी आ रखा है, उसमें आप मैसेज कीजिए मेरे को। मैं 24 hours से 48 hours में जो है आपको रिप्लाई कर देता हूँ। एंड अगर कॉल करना है तो 10 AM टू 7 PM में कॉल कीजिए, मंडे टू सैटरडे, एंड उसी को फॉलो कीजिए, वरना मैं शायद अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो ये आपका देखिए 2MP का मॉडल है। इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका जो बिल्ड क्वालिटी है किस टाइप का रहता है। उसके बाद इसको हम लोग कनेक्ट भी करेंगे अपने एक DVR के साथ में, और फिर बताऊँगा कि अगर आप इसको एक स्मार्ट DVR से कनेक्ट करते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है। एक देखिए यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, कुछ स्क्रूज एंड केसिंग में देखने को मिल जाता है, एंड ये रहा अपना कैमरा। एक जो है ड्रिल टेम्पलेट देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हो। कैमरा को अगर मैं क्लोजली देखूं तो कैमरा को मैं रिमूव करता हूं इस बढ़िया से पॉलीथीन के बैग से, एंड चलिए इसको मैं क्लोजली आपको दिखा देता हूं। तो गाइज ये जो कैमरा है, सबसे पहला बात है बिल्ड, प्योर मेटल बॉडी का बिल्ड है फ्रेंड्स। PIR कैमरा वैसे भी काफ़ी गुड क्वालिटी का कैमराज होता है, एंड इसका जो मैन्युफैक्चर्ड है ये भी आपका इंडिया में हुआ है, वसाई में इनका जो प्लांट है परमा हिकविजन इंडिया का, वहीं पे हुआ है ये। एंड बॉडी प्योर मेटल है, पीछे का जो बेस है ये फाइबर है, लेकिन जो मेन बॉडी जिसके थ्रू IP67 का रेटिंग इसको मिला है ये बहुत ही बढ़िया है। अगर फ्रंट से देखा हूँ आपको, सबसे पहले स्टिकर जो हटा देता हूँ, एंड गाइस बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है कि लग्जरी का आइटम मैं अपने हाथ पे ले रखा हूँ। आपको बता देता हूँ, ये जो सेंसर है ना गाइस, ये इसको PIR सेंसर बोलते हैं। PIR मतलब क्या होता है, पैसिव इंफ्रारेड, ठीक है। ये मतलब हीट को जो डिटेक्ट करता है, इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब फॉल्स अलार्म जो होता है ना उसको ये नहीं जनरेट करता। जैसे गाड़ी जा रहा है आपका, कोई मान लीजिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का कुछ मोशन हुआ, पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, उसको ये डिटेक्ट नहीं करता है। मतलब हीट को, इंसान और जानवर में जैसे हीट होता है, हमारे बॉडी में जो हीट होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का, ये बेसिकली है स्ट्रोब लाइट। ये ज़ोर ज़ोर से जो है वाइट कलर का लाइट जो है ब्लिंक करेगा। इसका इंटेंसिटी कितना करेगा नहीं करेगा ये सब आप सेटिंग में मिला सकते हो। एंड इसका अगर मैं आपको दिखाऊं, PIRLO जो है, LO का मतलब क्या हुआ, आपने ये देखा होगा कैमरा के एंड में DC पावर देने के लिए, आपने ये भी देखा होगा ये BNC के लिए है, मतलब वीडियो के लिए है। लेकिन ये जो है गाइस, ये इसका अलार्म का देखिए पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली आपका कैमरा में आप एक हुटर कनेक्ट कर सकते हो।
एंड इस कैमरा को अगर आप एक के सीरीज या HGHI F1 F2 इस टाइप के सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपका फ्लैश भी होगा, प्लस आपका अगर मोशन होगा तो फ्लैश भी होगा, प्लस आपका जो अलार्म है इसमें आप दे देते हो इसको अलार्म के साथ में तो अलार्म में भी ज़ोर से सायरन बजेगा। लेकिन अगर आप इसको एक IDS DVR यानी कि एक हिकविजन का स्मार्ट DVR, चाहे वो HQHI सीरीज़ हो चाहे वो HUHI सीरीज़ हो, दोनों का मैंने इंडिपेंडेंट वीडियोज़ बना रखे अपने चैनल में, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हो इसमें तो इसका जो ट्रू पोटेंशियल है, जैसे कि आप मान सकते हो कि लाइन क्रॉसिंग, मोशन डिटेक्शन एंड एरिया क्रॉसिंग, डोर क्रॉसिंग, डोर मतलब रीजन का एंट्री एग्जिट, लाइन में AC, BC, ये सब जो स्मार्ट इवेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब भी बेसिकली आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही इसका जो फ्लैशिंग का बात है, कितना फ्लैश करेगा कितना नहीं करेगा, साउंड ऑफ रखना है साउंड ऑन रखना है, वो सारे फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक IDS यानी कि एक स्मार्ट एक्विसेंस DVR जो है उसी में ही देखने को मिलेगा। तो अभी मैं कनेक्ट भी करूँगा इसको अपने एक स्मार्ट DVR के साथ में, एंड फिर आपको इसका जो डे विजन क्वालिटी है वो दिखाऊँगा, नाइट विजन क्वालिटी है वो दिखाऊँगा, उसके बाद आपको इसका जो स्मार्ट फीचर है वो आपको इन डेप्थ में कॉन्फिगर करके बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ मैं DVR कौन सा यूज़ कर रहा हूँ आज की वीडियो में। गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा एडवांस DVR जिसका मॉडल नंबर है IDS 7208 HUHI M1 FA। ये हिकविजन का बहुत ही ज़्यादा उमदा DVR है, मैं खुद अपने पर्सनली अपने ऑफिस में इसी DVR को जो यूज़ करता हूँ, एंड अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने ऑफिस में एंड आपको मैं इसका एक अच्छा खासा एक वॉक थ्रू दूंगा, तो आपको सेटिंग्स भी समझाऊंगा ताकि आप जज कर पाओ कि इसका क्वालिटी जो है कैसा है, एंड फिर आप डिसीजन लेना। एंड मैं हमेशा एक ही बात सजेस्ट करता हूँ अपने ऑडियंस को कि आप ज़रूरी नहीं कि सारा PIR लीजिए, आप मिक्स कीजिए सेटअप को, आपके जो मेन गेट का एरिया हो या जो की एरिया हो, जैसे टेरेस हुआ जहाँ पे कभी कभी कोई आएगा या फिर बैक साइड हुआ वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए, ताकि कोई अगर इंट्रूडर, कोई अगर चोर आपके घर पे घुसने का ट्राई कर रहा है तो वो एक तो डर के भाग जाए, आप अलर्ट हो जाओ, आसपास के लोग अलर्ट हो जाए, ज़ोर से फ्लैश लाइट मारेगा तो वैसे उसका फेस और ज़्यादा क्लियर आएगा। ये फीचर है इस पर्टिकुलर कैमरा का। इसके जगह मान लीजिए आप नॉर्मल एक 2 MP या 5 MP का कैमरा लगाते हो तो मोशन होगा तो वो आपको एक बीप साउंड दे देगा, अगर आप उसको मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन करोगे DVR में, नॉर्मल DVR में, तो भी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वो फॉल्स अलार्म भी बहुत ज़्यादा देगा और उसमें ऐसा स्ट्रोब लाइट और सायरन का फीचर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आप हो सके तो उस तरीके से प्लानिंग कीजिए कि आप 2-3 कैमरा नॉर्मल लीजिए, 1-2 कैमरा जो आपका की पॉइंट्स है उसमें इसको लीजिए, इसके अलावा आपका बजट अलाउ करता है तो 5 MP का जो कैमरा है उसको भी आप ले सकते हो। तो ओवरऑल आपका जो सेटअप है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एंड वीडियो के एंड में आपको प्राइस भी रिवील करूँगा, इसका प्राइस क्या है, 5 MP का प्राइस कितना होगा, आपको सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को जो पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा। अभी मैं फटाफट इसको एक DVR के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज अभी आप देख सकते हो मैंने मेरा कैमरा को जो है ऑफिस पे अपने कनेक्ट कर दिया है आपको डेमो देने के लिए। मेरा ऑफिस में देखिए सामने की तरफ मैंने कैमरा लगा रखा है, एंड इसको मैं बेसिकली अपना जो DVR है, यहाँ पे मेरा एक स्मार्ट DVR मॉडल मैंने आपको बताया था वो DVR है, इसको मैं एक HDMI केबल के थ्रू अपने सिस्टम में लिया हूँ ताकि आपको मैं फुल जो क्वालिटी है वो आपको दिखा सकूँ, एंड अभी इसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ये छोटा सा केबल आपको दिखाई देगा, उसके लिए आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं एक लंबा केबल लेके ये तार भी हो सके तो आपको अवॉइड करवा दूंगा, नीचे से अपना कैमरा का HDMI केबल लेके चला जाऊंगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देख सकते हैं सर क्वालिटी, फील्ड ऑफ व्यू आप देख सकते हो कैमरा कितना अच्छा फील्ड ऑफ व्यू है। अभी मैं कैमरा से तकरीबन 12 से 15 फीट दूर हूँ, फिर भी आप क्वालिटी देखिए कितना साफ आ रहा है मेरा इमेज। ये 2 MP का आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं 5 MP कैमरा लगाऊंगा ऑब्वियसली क्वालिटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन 2 MP के हिसाब से आप देखिए कितना बढ़िया जो एक इमेज आपको देखने को मिल रहा है। पूरा फील्ड ऑफ व्यू आप देखिए, 3.6 mm का लेंस है इसमें, बट क्लीन क्वालिटी आप देखिए। डे विजन में ऑफिस का सारा लाइट अभी ऑन कर रखा है, कितना अच्छा रहा है। एंड थोड़ा मैं अपने अंदर जो स्टोर है मेरा वहाँ जाता हूँ, यहाँ पे भी अपना लाइट जो है ऑन करता हूँ, आप देखें यहाँ तक का क्वालिटी कितना अच्छा आ रहा है इसमें, एंड इससे आप डिटरमाइन कर पाओगे। तकरीबन अभी मैं 35 फीट दूर हो चुका हूँ अपने कैमरा से, फिर भी आप क्वालिटी देखिए इमेज कितना अच्छा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, तुरंत आपको जो नाइट विजन दिखा देता हूँ, अपने ऑफिस का जो लाइट्स है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक एक करके। तो अभी देखिए अपना नाइट विजन मोड जो है ऑन हो चुका है कैमरा का, ऑफिस का देखिए अभी हुआ नाइट विजन मोड ऑन, एंड मैं आपको और जो मेरा ऑफिस का मॉनिटर है जो मैं इसको यूज़ करता हूँ इसको भी मैं एक बार के लिए जो है ऑफ़ कर देता हूँ।
तो आप देख पाओगे एकदम पिच ब्लैक। अभी आप देखें मेरा फेस के आगे कोई लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है। देखें यहाँ पे, फिर भी कैमरा को देखिए आप कितना ज़्यादा क्लीन इमेज जो कैमरा दे रहा है। ये जो फ्लिकरिंग आ रहा है ये मेरा जो मॉनिटर है उसका इशू है, लेकिन एज सच कैमरा में आपको फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर इमेज को देखें कितना दूर मैं अभी खड़ा हूँ, फिर भी क्वालिटी जो है नाइट विजन का कितना ज़्यादा क्लीन है। अब मैं एक काम करता हूँ, अंदर स्टोर में जाता हूँ ताकि आप आइडिया ले सको कि अगर आपका एक डिस्टेंस में कोई खड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, तो कितना अच्छा। बस देखिए छोटा सा गेट का ओपनिंग मिल रखा है इसको, इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ तो आप देखें कितना अच्छा इसको इमेज आ रहा है। और पूरा जो लाइट है IR जो बोलते हैं हम लोग, वो केवल और केवल जो PIR सेंसर लगा हुआ है उसका IR से ही कैमरा जो है इतना अच्छा क्वालिटी कैप्चर कर पा रहा है। तो गाइज अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसको मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ, इसका जो स्ट्रोब लाइट फीचर है, जैसे मैंने कहा था अगर आप एक स्मार्ट DVR में करते हो तो आपको वो सारा फीचर्स मिल जाएगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जाना पड़ता है इवेंट्स में स्मार्ट आपको जाना पड़ता है सेटिंग्स में जाके आप जाओगे इवेंट में जाके देखिए जो आपका स्मार्ट, देखिए यहाँ पे दे रखा है ना स्मार्ट इवेंट, ये तभी यूज़ हो पाएगा जब आपका कैमरा जो स्मार्ट है। तो मैं कैमरा को जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन क्रॉसिंग, देखिए ये एक लाइन क्रॉसिंग का फीचर है, इसको मैं इसमें इनेबल कर देता हूँ। एंड A से B, B से A बहुत कुछ है, तो मान लीजिए A से B मैं करता हूँ, ड्रॉ एरिया में करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये किया है A से B, अभी मैं खड़ा हूँ A पे, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। पर अप्लाई करने से होगा क्या, आर्मिंग स्केड्यूल में गया, ये अभी के लिए मैं चालू कर रखा हूँ इसको 24/7 के लिए। इसको चाहे तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं कि रात को, फॉर एग्जाम्पल आप करना चाहें कि रात को 12 से सुबह के, आप चाहते हो कि एडिट में जाके आप कर सकते हो कि रात को कितना से कितना बजे आप करना है, सुबह कितना से कितना बजे तक आप चाहिए, उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हो। मंडे से लेकर संडे का यहाँ पे कर सकते हो। लिंकेज क्या क्या करना है आपको, मतलब अगर ये होगा ये कैमरा में जो क्या क्या चाहिए आपको, ये जो कैमरा है इसमें लाइट का देखिए फीचर दिया हुआ है, तो लाइट आप चाहे ऑन कर, मैंने कहा था ना PIR ऑन होगा वो इससे आपका स्मार्ट से हो जाएगा। फिर आप देखिए इसमें दिया हुआ है अलार्म आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने कहा था कि इसमें आप एक एक्स्ट्रा अलार्म लगा सकते हो, अगर आप मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ इसमें, आप चाहो तो वो भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड बाद बाकी और भी यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं स्मार्ट कैमराज, उसका भी इसमें ट्रिगर कर सकता हूँ, उसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन बस इससे आप समझ जाओगे। ये मैं अप्लाई किया हूँ, एरिया सेटिंग्स में गया हूँ, इसको मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अभी मान लीजिए इसका मतलब क्या, ए से बी, अगर मैं ए से बी जाऊँगा तो कैमरा जो है फ्लैश करेगा, DVR में हूटर साउंड बजेगा, बीपिंग साउंड, और जो मेरा कैमरा है उसमें एक फ्लैश जलेगा। साथ ही अगर मैं इसमें ईमेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा हूँ तो ईमेल ने तुरंत नोटिफिकेशन आया कि अमोशन हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो अभी देखिए मैं ए से बी अपना जा रहा हूँ, एंड मैं बेसिकली एक लाइन को जो है क्रॉस किया हूँ। अब देखते हैं अपने कैमरा में जो है क्या शो हुआ है, वापस से मैं ट्राई करता हूँ। तो आपका जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आपका पैरीमीटर आपको कवर करना है, ठीक है, तो आपने ए से बी किया, सेटिंग्स मिला दिया, ह्यूमन और व्हीकल को, मान लीजिए ह्यूमन को सिलेक्ट कर रखा हूँ, अप्लाई किया हूँ, ठीक है, अप्लाई हो गया है, सेटिंग मैंने मिला दिया है। अब मैं ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है, अब आप देखिएगा क्या होगा, ठीक है। मैं ए से बी जा रहा हूँ, मतलब मैंने लाइन को जो है क्रॉस किया है, लाइन जैसे मैंने क्रॉस किया देखिए अलार्म बजा है, और आप कैमरा में देखिए, देखिए ऐसा फ्लैश लाइट जो है आपके सामने जल रहा है, और लाइट ऑन है तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी पता नहीं चल रहा है, लेकिन पूरा अंधेरा करके आपको अभी दिखा देता हूँ, अभी आप तब समझोगे इसका लाइट कितना ज़्यादा है। एक बार मैं वापस लाइट अपना ऑफ कर देता हूँ, आप तब समझ पाओगे इसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए अभी अपना कैमरा लाइट ऑफ हुआ है ऑफिस का, एक बार नाइट विजन जो है स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा था ना 0.005 लक्स, इसका मतलब इसको हल्का सा भी लाइट जो मिल रहा है मॉनिटर्स के थ्रू तब भी ये कैमरा जो है डे विजन में काम कर रहा है। और मैं अपना लाइट जो है बंद कर देता हूँ, तब शायद इसका नाइट विजन जो है चालू हो जाए। काफ़ी प्रीमियम आपको एक सोल्यूशन देखने को मिल जाता है। सॉरी, वापस लाइन क्रॉस हुआ तो कैमरा ने फ्लैश मारना शुरू किया, आप समझ पाओगे। फ्लैश दिखा दीजिए, कितना स्ट्रॉन्ग फ्लैश है, आप समझ पाओगे कि नाइट विजन चालू भी नहीं हुआ है फिर भी सर फ्लैश देखे कित, देखिए फ्लैश देखिए आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लैश देखने को मिल रहा है।
तो आप सोचे रात के टाइम पे जब अंधेरा होता है कितना ज़्यादा फ्लैश आपको देखने को मिल जाता है, एंड नाइट विजन में भी देखिए, नाइट विजन चालू भी नहीं है फिर भी कितना आँख में देखिए, कितना लाइट मार रहा है मेरा, तो आप देख सकते हो कि अगर कोई चोर ऐसे घुसता है आपके घर, आँख ही उसका इतना ज़्यादा ब्लिंक हो जाएगा, वो तुरंत वहाँ से डर के भाग जाएगा। एंड अगर आप सायरन लगा दोगे तो ज़ोर से सायरन भी बजेगा आपका। एंड देखिए कितना इन्यूनेट ये कर रहा है, क्योंकि इसका काम ही वो है, PIR कैमरा का काम ही वो होता है। तो अभी देखिए अभी हिल रहा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब ACB में क्रॉस करूँगा देखिए तब ये अपना कैमरा फ्लैश करना स्टार्ट करेगा गाइज। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं पहले यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद देखिए इंट्रूशन का भी सिस्टम है इसमें, कि अगर कोई आपका एरिया में घुसता है तो इसको आप यहाँ से सेटिंग मिला सकते हो। फिर सडन सीन चेंज, मान लीजिए अचानक से कोई कैमरा के तरफ पत्थर मारता है, कैमरा का ऐसे जो सीन है वो चेंज हो जाता है, तो भी आपको तुरंत जो है अलर्ट आ जाता है। इसको मैं एक बार जाके इनेबल को जो है डिसेबल कर देता हूँ। एंड गाइज इसमें एक और फ़ायदा है, नॉर्मल इवेंट जैसे मैंने कहा था आपको, आप कोई भी हिकविजन का अच्छा DVR आप कनेक्ट करते हो तो उसमें आपको ये सब फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। मोशन डिटेक्शन में देखिए आप एरिया जो डिटेक्ट कर सकते हो। पहले मैं अपना कैमरा जो चूज़ कर लेता हूँ, ये मेरा A5 कैमरा है, ठीक है। अब मान लीजिए मोशन फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉ एरिया, तो मान लीजिए मैंने ये एरिया को जो है अपना चूज़ किया है, रुके ड्राइंग करके दे देता हूँ आपको। देखिए मैंने एक एरिया जो डिफाइन किया अपना अभी, ठीक है। इसमें भी मैं चाहूँ लिंकेज एक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैमरा DVR स्मार्ट है, इसमें फीचर्स है कि इसमें मैं जो लाइट कैमरा का जो लाइट का फीचर है इसको अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई किया है, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इस एरिया के अंदर मैंने ये लाइन क्रॉसिंग वगैरह नहीं हुआ, एरिया हुआ, इसको सॉरी इनेबल नहीं किया था मैंने। मोशन मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन और उसको डिटेक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि स्मार्ट DVR है आप चाहो तो इसको यहाँ से भी कर सकते हो। व्हीकल और ह्यूमन के लिए मैंने कर दिया इसको। अब देख लीजिए मैं इसके अंदर घुसता हूँ, इस एरिया के अंदर में देखिए इंट्रूड जैसे ही किया कैमरा मेरा फ्लैश करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इस तरीके से अपना ये जो सिस्टम है काम करता है। इसमें वीडियो टेम्परिंग का सिस्टम है, सेम चीज़ जो आपका सडन चेंज सीन चेंज हुआ सेम फंक्शनैलिटी है। वीडियो लॉस, अलार्म इनपुट, अलार्म आउटपुट जैसे मैंने कहा आपको। फिर आपका आ जाता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या क्या चीज़ में आपको साउंड चाहिए, हार्ड डिस्क एरर होता है वो सब चीज़ बेसिकली इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये था आपका इस कैमरा का इन डेप्थ, मैंने आपको एक डेमो करके दिया है। एंड अगर इसमें आप कनेक्ट करते हो इसको कोई भी आप स्मार्ट एक DVR से, तो आप देख सकते हो कि कितना इजी हो जाता है आपका काम, एंड आप कितना माइंड फ्री जो बैठ सकते हो, एंड आपका ओवरऑल जो सेटिंग है आपका, जो आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी का जो पर्पस है वो बेसिकली फुलफिल हो जाता है। तो बाद बाकी कैमरा आप चाहे तो ऑडियो वाला ले लीजिए, आप चाहे तो नॉर्मल ले लीजिए, सस्ता वाला ले लीजिए, लेकिन आप एक या दो कैमरा हमेशा ट्राई कीजिए कि PIR कैमरा आप लीजिए, ताकि इसका जो फुल पोटेंशियल आप यूज़ कर सकें। आप अगर आपको अलार्म भी चाहिए, मतलब हुटर भी चाहिए अलग से, हुटर भी जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया हो कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका इमेज क्वालिटी कितना है। मैं आपको जितना फुल रेजोल्यूशन हो सकूँ तक भी मैं आपको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको कोई मैंने वो इशू ना हो कि मैं रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ, वैसा चीज़ मैंने कर जितना हो सके आपके लिए करके देता हूँ। एंड आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्ट्रोब लाइट का फीचर समझ में आया है, अलार्म मैंने इसमें लगाया नहीं क्योंकि अलार्म का शोर इतना ज़्यादा होता है, बट बहुत ईजी कनेक्शन होता है उसमें। प्लस माइनस इसमें आप तार जोड़ दीजिए और एक 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडैप्टर दे दीजिए, उससे इसका कनेक्शन हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब में है उसको अलार्म का फीचर को समझाने के लिए, आपको वो अलार्म मेरे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो मैं साथ में जो भेज भी दूंगा आपको। लेकिन कैमरा मैं दिखाना चाह रहा था कि 2 मेगापिक्सल में इतना लो रेंज में आपको इतना अच्छा फीचर जो मिल रहा है, तो आप क्यों इस चीज़ को जो है अवॉइड करते हो। गाइज अब मैं आपको इसका प्राइस जो है बता देता हूँ, इसका अगर MRP आपको बताऊँ, इसका MRP है आपका
5100 मतलब 5100 रुपया का, 5100 रुपया का ये कैमरा है। लेकिन आपको पता ही है आप लोग के मैं बहुत स्पेशल डिस्काउंट्स ऑलरेडी लेके आता हूँ, तो ये मैं आपको ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट में दे दूंगा, यानी कि 3000 के आसपास में आपको कैमरा दे दूंगा। एंड आपको भी GST बिल मिलेगा, अगर आपको GST इनपुट चाहिए तो। आपको देरी किस बात की, अगर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 300-400 रुपये का ही डिफरेंस आएगा। 5 MP चाहिए तो 5 MP का वीडियो का वेट कीजिए, उसका क्वालिटी टेस्ट कीजिए। अगर बजट अलाउ करता है तो 3500 तक में या 3400 तक में आपको वो कैमरा मिल जाएगा। लेकिन 3000 में अगर आपको इतना सॉलिड कैमरा मिल रहा है विथ मेटल बॉडी IP67 में, तो आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इशू होना चाहिए। नाइट विजन देखिए कितना क्लीन है इसका, ऑफिस में पूरा अंधेरा कर रखा था हम लोग ने, जीरो लाइट था, फिर भी इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा था। स्ट्रोब लाइट भी बढ़िया दे रखा है इसमें। एंड ये स्मार्ट आदमी लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी हो, अलर्ट मिले, एंड चोरी होते समय पता चल जाए, ना कि चोर आके चोरी करके चला जाए फिर बाद में फुटेज निकाल के पुलिस के पास जाए। वो सब पर्पज़ के लिए आप अगर स्मार्ट, ज़माना जब स्मार्ट हो चुका था, आप भी एक स्मार्ट कैमरा को ले सकते हैं। एंड HD में इससे अच्छा स्मार्ट कैमरा आपको मिलेगा नहीं गाइस, क्योंकि हिकविजन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ये सब प्रोडक्ट्स रेडिली इन स्टॉक अवेलेबल है। मेरे पास तकरीबन 20-25 पीस अभी फ़िलहाल स्टॉक में है। आपको चाहिए अगर जितना जल्दी हो सके ऑर्डर मेरे से कर दीजिए। एंड अगले वीडियो तक मिलते हैं आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक मिलते हैं, थैंक यू सो मच।